नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। व्हाट्सएप ने लिखा आरबीआई को पत्र ताकि करोड़ों भारतीयों को मिल सके यह खास सुविधा। वो कौन सी सुविधा है, जानने के लिए देखें पूरा वीडियो आखिर तक। पर हाँ दोस्तों, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ज़रूरी जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने हिंदुस्तान में अपने 20 करोड़ यूजर्स को पेमेंट सर्विस देने के लिए इंडियन रिजर्व बैंक आरबीआई से इजाज़त की मांग की है। इसके लिए व्हाट्सएप के प्रमुख क्रिस डेनियल ने भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल को भी लेटर लिखा है। प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप भारतीय यूजर्स को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए गत 2 वर्षों से गवर्नमेंट से वार्ता कर रहा है। साथ ही यह खबर है कि मैसेजिंग ऐप कई महीनों से 10 लाख यूजर्स के साथ नए फीचर का परीक्षण भी कर रहा है। फिलहाल व्हाट्सएप की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। कंपनी को इसे पूरी तरह लॉन्च करने के लिए नियामक की मंजूरी का इंतजार है। बता दें कि डेनियल ने 5 नवंबर को लिखे लेटर में कहा, मैं व्हाट्सएप पर भीम यूपीआई के जरिए भुगतान लेन देन सेवा हिंदुस्तान के सभी यूजर्स तक पहुँचाने के लिए मंजूरी की अपील करता हूँ। हमें उपयोगी व सुरक्षित सर्विस के लिए डिजिटल सशक्तिकरण व वित्तीय समावेशन से हिंदुस्तानियों की जिंदगी बेहतर बनाने का मौका दे। इतना ही नहीं, इस मामले पर व्हाट्सएप के साझेदार बैंकों ने भी औपचारिक मंजूरी के लिए आरबीआई से अपील की है। तो दोस्तों, व्हाट्सएप की इस सर्विस के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।